बरेली के शीशगढ़ में इंस्टाग्राम पर की गई धार्मिक टिप्पणी से माहौल खराब हो गया। कस्बे में तनाव फैल गया। दूसरे समुदाय की भीड़ ने पहले थाना घेरा, फिर आरोपी के घर को घेर लिया। भीड़ ने बाहर से घर बंद कर पथराव शुरू कर दिया। समझाने पहुंचे सीओ से भी धक्का मुक्की हुई। देर रात हजारों लोगों की भीड़ आरोपी के घर के सामने ही मैदान में बैठ गई। रात करीब 2 बजे पुलिस ने दोनों किशोरों को पकड़ लिया, तब जाकर भीड़ शांत हुई। शीशगढ़ कस्बे में रामलीला ग्राउंड के सामने रहने वाला शख्स मोबाइल कंपनी का स्थानीय डीलर है। उनका 14 साल का बेटा कक्षा 9 में पढ़ता है। बताते हैं कि बृहस्पतिवार को इंस्टाग्राम पर बहस के दौरान उसके बेटे ने दूसरे समुदाय को लेकर आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी कर दी। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर उस पर तीखे कमेंट लिखकर वायरल किया गया। शुक्रवार शाम तक मैसेज पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गया। हंगामे और बवाल के बाद पूरा कस्बा छावनी में तब्दील कर दिया गया। आधी रात को डीएम शिवकांत द्विवेदी समेत आईजी डॉक्टर राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्य अग्रवाल भी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। बवाल करने वाले 27 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बवाल के बाद सियासी उठापटक के बीच पुलिस ने चेयरमैन के पति को भी थाने में बैठा लिया है। दोनों ओर से मुकदमे दर्ज करने के बाद भीड़ पर 2 मुकदमे पुलिस ने दर्ज कराए हैं। भीड़ में शामिल करीब 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्य खुरापातियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में एक समुदाय के लोगों ने शनिवार को बाजार बंद कर दिया है। कई सीओ इंस्पेक्टर के साथ ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। पीएसी और आरएएफ को भी तैनात किया गया है। एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि कस्बे में शांति है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी किशोर के साथ ही दूसरे समुदाय के किशोर ने भी धार्मिक टिप्पणी की थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस के बाद बवाल की यह नौबत आई। पुलिस ने दूसरे किशोर को भी देर रात हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही जा रही है। नवरात्रि में थाना क्षेत्र शीतगढ़ में एक विवादित पोस्ट एक किशोर के द्वारा शेयर की गई थी, जिसके कारण दूसरे समुदाय के लोगों ने काफी संख्या में एकत्रित होकर उसके घर को घेर लिया था और समस्या पैदा की थी। पुलिस की सक्रियता के चलते कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, किंतु पुलिस के द्वारा ये उग्र प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जिस बालक के द्वारा पोस्ट शेयर करी गई थी उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया है। जानकारी में ये भी आया था कि दूसरे समुदाय के एक लड़की के द्वारा भी एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की गई थी, उसके संदर्भ में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संदर्भ में दोनों किशोरों को बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में रखा गया है। उग्र प्रदर्शन करने वाले लगभग 2 दर्जन लोगों को हमने हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास वीडियोज हैं उसके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इनके द्वारा ये उग्र प्रदर्शन किया है, इनको चिन्हित करके जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ कस्बे में शांति है, किंतु एहतियात के तौर पर हमारे द्वारा सिविल पुलिस के साथ साथ पीएससी और आरएएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है।